और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 18,427 पहुंच गई है। आज 115 नए मामले सामने आए हैं, 3,358 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना से अब तक 14,643 लोग रिकवर हो चुके हैं। कोरोना वायरस से अब तक 426 लोगों की मौत हो चुकी है। अजमेर से 4 मामले सामने आए हैं, अलवर से 1, बारा से 2, बाड़मेर से 1, भरतपुर से 6 मामले, बीकानेर से 12, बूंदी से 1, दौसा से 2, धौलपुर से 10 मामले सामने आए हैं। डूंगरपुर की बात करें तो यहां से 1, जयपुर में 9 मामले, जालौर से 9, झुंझुनू से 2, करौली से 5, कोटा से 4, नागौर से 8, राजसमंद से 10, सवाई माधोपुर से 1 पॉजिटिव केस सामने आया है, सिरोही से 5 और उदयपुर से 21 पॉजिटिव केसेस फिलहाल सामने आए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आशुतोष शर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आज कहां के लिए राहत की खबर और कहां चिंता का विषय बताया जा रहा है? देखिए, लगभग जो तमाम जिले हैं जहां से बैक टू बैक नए संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, वहां से आज केसेस दर्ज किए गए हैं। एक आंशिक राहत राजधानी जयपुर के लिए कही जा सकती है। महज 9 जो नए संक्रमित मरीज हैं वो दर्ज किए गए हैं। पूरे प्रदेश में आज सुबह 10:30 बजे तक 115 जो नए संक्रमित हैं वो दर्ज किए गए हैं। और आज की बात करें तो जो कुल पॉजिटिव का आंकड़ा है उसमें से एक बहुत अच्छा जो रिकवरी रेट है वो आज सुबह के आंकड़ों के हिसाब से भी देखने को मिल रहा है। बुधवार रात तक ये जो आंकड़ा था वो 79.2 था, लेकिन आज सुबह जो आंकड़े जारी किए गए हैं उससे बहुत अच्छी जो रिकवरी रेट है वो राजस्थान में देखने को मिल रही है। यानी कि कुल जो पॉजिटिव का आंकड़ा है 18,427, इसमें से राजस्थान के अंदर 14,643 ऐसे मरीज हैं जो कि रिकवर्ड हो चुके हैं। और अब सुबह 10:30 बजे तक आज राजस्थान का जो रिकवरी का जो परसेंटेज है वो 79.45 पार कर चुका है। ये राजस्थान के लिए एक बड़ी राहत है। बेशक नए संक्रमित मरीज प्रदेश के अंदर हर दिन औसतन 350 मरीज दर्ज हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी राजस्थान के लिए राहत की बात यह है कि यहाँ तेजी से जिस संख्या में नए संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, ठीक उसी संख्या से तेजी से देखते हुए जो नए मरीज हैं वो रिकवर्ड भी हो रहे हैं। जी आशुतोष, बिल्कुल कोरोना का दायरा लगातार फैल रहा है, लेकिन फिर भी जो जीवन है वो पटरी पर लौट रहा है। अनलॉक 2 लागू हो चुका है, राजस्थान से कैसी तस्वीर फिलहाल सामने आ रही है? देखिए, बार बार राज्य सरकार की तरफ से, खुद सूबे के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनकी तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की तरफ से बार बार एक ही बात लगातार कही जा रही है कि सरकार जो है वो नियम जो कानून है वो लागू कर सकती है, लेकिन उनको फॉलो करना होगा लोगों को। अब जो इस समय समय चल रहा है वो सबसे ज्यादा ऐसा समय होगा जहां लोगों को अपनी समझदारी दिखानी होगी, खुद की जो सतर्कता है वो दिखानी होगी, और उसी के तमाम प्रयास चल रहे हैं। जी बिल्कुल आशुतोष, लगातार जो जीवन शैली है वो पटरी पर लौट रही है, लेकिन कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो लोगों को बहुत ध्यान रखने की अभी भी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।